नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि अगर आप लोग पीएचडी के एडमिशन में इंटरेस्टेड हैं या इन फ्यूचर पीएचडी के एडमिशन लेने के लिए कोई प्लान बना रहे हैं अभी से, तो अगर एक वर्क आप लोग कर लेंगे तो आगे का जो आपका रास्ता है पीएचडी के एडमिशन का, वो बहुत ही आसान हो जाएगा। और वो आपका है रिसर्च प्रपोजल तैयार कर लेना। अगर आप रिसर्च प्रपोजल तैयार कर लेते हैं या सिनॉप्सिस तैयार कर लेते हैं, तो आपका देखा सा एक बहुत बड़ा समस्या पहले ही सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जब पीएचडी के एडमिशन के लिए जाते हैं तो रिटन टेस्ट उनको देना पड़ता ही है, साथ में आपको इंटरव्यू फेस करना होता है। और इंटरव्यू में आपको क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल साथ में ले जाना होता है, यानी कि सिनॉप्सिस ले जाना होता है। अगर आप पीजी हैं तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू आप देंगे ही देंगे। अगर नेट जीआरएफ हैं तो रिटन टेस्ट से कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो आपको छूट दे देती हैं, रिटन टेस्ट नहीं देना होता है नेट जीआरएफ वालों को, डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठना होता है, इंटरव्यू फेस करना होता है। तो चाहे नेट जीआरएफ हैं और चाहे ओनली पीजी हैं, इंटरव्यू फेस करना ही है। तो इंटरव्यू फेस करेंगे तो इंटरव्यू में आपको अपने साथ सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल बना के ले जाना है। लेकिन जब नज़दीक आ जाता है एडमिशन का जो ये टेस्ट है, तो सभी छात्र परेशान हो जाते हैं, कैसे बनाएं सिनॉप्सिस, कैसे बनाएं, क्या उसमें चीज़ें डालें, कवर पेज कैसे तैयार करें, और उनका पूरा का पूरा दिमाग देखें तो उलझन में फंस के रह जाता है। तो देखिए, आप सभी को आज के वीडियो हम बताने वाले हैं कि कैसे एक बहुत साधारण तरीके से एक बहुत ही अच्छा आप रिसर्च प्रपोजल पहले ही तैयार कर लें, जिससे कि आप फ्यूचर में भी इंटरव्यू में यानी कि एडमिशन का प्रोसेस में आप जाने वाले हैं तो आपको कोई समस्या ना हो। सबसे पहले आपको बता दें कि जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाने जाएं तो सबसे पहले आप एक सुंदर सा कवर पेज आपको बनाना है। साथ में आपको बता दें कि मैक्सिमम 8 to 10, मैक्सिमम आपका 8 से 10 पेज में, यानी कि जो दोनों साइड का होता है मिला के, इधर और इधर का, दोनों साइड का मिला के आपको 8 से 10 पेज में सिनॉप्सिस तैयार कर लेना है। और ज़्यादा ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना है जो निरर्थक हो। सिनॉप्सिस में ऐसे शब्दों का ही यूज करें जिसका कोई मीनिंग निकलता हो और उस शब्द का इस्तेमाल आपके रिसर्च समस्या से जुड़ा हुआ हो। तो सबसे पहले आपको सबसे ऊपर क्या लिखना है, रिसर्च प्रपोजल लिख देना है ऊपर, या सिनॉप्सिस लिख देना है, ठीक है, सिनॉप्सिस आप लिख देंगे सबसे ऊपर। सेकेंड लाइन में थोड़ा सा गैप देके आप क्या लिखेंगे, आप रिसर्च से जो जुड़ा हुआ, आपका रिसर्च प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ जो टाइटल है उसको यहाँ पे आप लिखेंगे। ऊपर हो गया सिनॉप्सिस, नीचे हो गया आपका टाइटल, ठीक, रिसर्च प्रॉब्लम का टाइटल आपका यहाँ पे हो गया सेकेंड। फिर उसके नीचे आपका क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट रहेगा जो आपका विषय है, यानी कि अगर ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी आपका है यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा। और नीचे अगर आप ब्रैकेट में चाहें तो लिख सकते हैं फॉर पीएचडी एडमिशन, आगे सिनॉप्सिस का जो आप लिखना चाहें, सिनॉप्सिस फॉर पीएचडी एडमिशन, नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे अपने सब्जेक्ट के। फिर यहाँ पे साइड में क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टर या सुपरवाइज़र का, ठीक है, सुपरवाइज़र लिख के आप खाली स्थान यहाँ पे छोड़ देंगे नीचे। ऊपर क्या होगा, डायरेक्टर या सुपरवाइज़र आप लिखेंगे और नीचे नेम लिख के आगे डॉट डॉट छोड़ देंगे, ठीक। इधर साइड में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप जो है शोधार्थी का नेम लिखेंगे, यानी कि जो आपका रिसर्च से जुड़ा हुआ जो आपका प्रपोजल बन रहा है वो आपके द्वारा बन रहा है, तो आपका यहाँ पे नेम चाहिए, शोधार्थी का
यहाँ पे नाम चाहिए। फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लोगो, यहाँ पे आप अपना लोगो, यूनिवर्सिटी का लोगो यहाँ पे लगा देंगे जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के लिए। फिर उसके नीचे फैकल्टी का नाम, ठीक, और फिर उसके नीचे लिखेंगे यूनिवर्सिटी का नाम, फिर उसके नीचे ईयर लिखेंगे, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं वो अगर आप लोग अपने खुद एक ड्रॉ करके वहाँ पे थोड़ा सा अपने लिए समझने के लिए बना ले पहले तो बेहतर रहेगा। अगर आप लोग चाहेंगे कि हम बना के कोई कवर पेज आपको दिखा दें तो वो भी हम बना के आपको दिखा देंगे, लेकिन ये कवर पेज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पेज रहेगा ये कवर। उसके बाद देखिए क्या रहेगा, उसके बाद सबसे पहला पेज जो होगा इसके बाद शुरू होगा उस पर आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, इंट्रोडक्शन आपका प्रस्तावना रहेगा, जो आपका रिसर्च समस्या है, ठीक है, उसके जो टॉपिक है आपका उसके बारे में आप यहाँ पे अच्छे तरीके से बताएंगे एक पेज में मैक्सिमम, ठीक। सेकंड आपका जो प्रॉब्लम है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही समस्या से जुड़े हुए जो भी बैकग्राउंड है उसको भी बताएंगे, समस्या कहाँ से आ रही है वो भी आप यहाँ पे बताना, अगर चाहें तो बताइए उसको भी कम शब्दों में। तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, पर्पस एंड इम्पोर्टेंस, जो आपका रिसर्च का जो प्रपोजल है आप बना रहे हैं, रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसका जो है पर्पस, उद्देश्य और महत्व को आप बताएंगे मैक्सिमम 5 से 8 पॉइंट में, ठीक। अगला फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, मेथड आप एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि शोध करने के लिए कौन से तरीके आप इस्तेमाल करने वाले हैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। फाइव जो आपका पांचवा स्टेप रहेगा वो रहेगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि आपका समस्या जो है उससे संबंधित आपने कौन सी बुक से पढ़ी हुई हैं, आप कौन से आर्टिकल पढ़े हुए हैं, अपनी समस्या को सही से समझने के लिए कौन से रिसर्च को आपने देखा है, रिसर्च वर्क को प्रीवियस आपने देखा है, तो उसके बारे में 8 से 10 मैक्सिमम आपको क्या करना है, लिखना है उस बुक का नाम, उस आर्टिकल का नाम 8-10 डाल देना है, जिससे पता चले कि आपने अपने समस्या से संबंधित चीज़ें जो हैं उसको पीछे खंगाली भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो स्टेप रहेगा 6 नंबर का, उसमें रहेगा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना, यानी हाइपोथेसिस तैयार करना, परिकल्पना को आप बना के यहाँ पे क्वेश्चन वाइज, यानी कि 4 से 5 परिकल्पना को आप लिखेंगे पॉइंट में, ठीक है, जिसको बहुत ही सरल शब्दों में लिखना है और ऐसा हो जो टेस्टेबल हो, जिसको हम टेस्ट कर सकें, ऐसा ना हो कि कोई ऐसा चीज़ हम बना दें जिसको टेस्ट कोई ना कर सके, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 7वां रहेगा, लिमिटेशन या डिलिमिटेशन की बात करते हैं। अगला जो आपका डिलिमिटेशंस है जिसमें आप जो भी सैंपल आप लेने वाले हैं उसको भी बताएंगे, टोटल पॉपुलेशन जो है उसको भी आप क्लियर कर देंगे, टोटल पॉपुलेशन 1000 है उसमें से हम 100 को सेलेक्ट करेंगे, उससे डेटा हम लेंगे, या कोई एरिया है उस एरिया को आप क्लियर कर देंगे कि इस क्षेत्र में हम शोध करने वाले हैं, जिससे कि आप अपनी बातों को बाद में रिसर्च के आधार पर जनरलाइज कर सकें, ना ही कि आप कोई रिसर्च करने जाएंगे तो पूरे विश्व या पूरे एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को आप समाहित कर लेंगे, आप पहले ही टारगेट अपना से बता देंगे कि मैं इसी में इसी के अंतर्गत काम करने वाला हूं और जो भी मेरी चीज़ें होंगी इसकी इसी घेरे के अंतर्गत रहेंगे, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी हो गई किससे, आपका पीएचडी के एडमिशन में जो रिसर्च प्रपोजल बनेगा उससे, ठीक। तो हमें लगता है आज की वीडियो में इतना ही, इसी चीज़ यहाँ तक ही चीज़ों को अभी रखते हैं, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन अदर लेना हो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि छात्र बहुत परेशान रहते हैं कि क्या कैसे चीज़ें किया जाए, ठीक। तो मैं ज़रूर आपका हेल्प करूँगा, और कैसे अपने रिसर्च प्रपोजल को आप लोग एक बार किसी एक्सपर्ट से दिखाएँ,
वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ आप जाके अपने प्रपोजल को एक्सपर्ट को दिखा के देख सकते हैं कि ये सही है, उसके बाद आप उसको रख लें, सेव कर लें और पीएचडी के इंटरव्यू में आप लेके जाएं, 100% उसके बारे में अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए पीएचडी के एडमिशन में। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।